द पावर ऑफ साइलेंस, चुप्पी की ताकत। आज मैं आपको इस साइलेंस की शक्ति के बारे में समझाऊंगा, कैसे व्यवहारिक जीवन में आप इससे फायदा ले सकते हैं। लोग ले रहे हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, और दूसरा आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या फायदा आप उठा सकते हैं, कैसा लोग उठा चुके हैं और कैसा आप उठाएंगे। दुनिया के बेहतरीन लीडर्स, बेहतरीन बिजनेसमैन, बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ कम से कम बोलते हैं, जितना हो सके साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और यही उनके कद को ऊंचा करती है और उसके वज़न को भारी बनाती है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और मॉडर्न हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी झगड़े में, किसी भी बहस में, किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी भी सौदे में साइलेंस मेंटेन जो करता है पेशेंसफुली, उसकी जीत अक्सर होती है। सोचो, एक बार सोच के देखो कि आप किसी से मैसेज में बात कर रहे हो, आप किसी के साथ मैसेज में कोई बहस हो रहा है और आपने बहुत सारी बातें कुछ लिख कर भेजा और सामने वाले ने सिर्फ एक ओके लिख के भेज दिया या मैसेज सीन कर लिया और कुछ भी नहीं कहा, आपको कितनी चिढ़ मस्ती है, कितना गुस्सा आता है, और उस चक्कर में आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे अल्टीमेटली जीत उसकी हो जाती है। वैसे ही जब कोई बहस हो रही होती है, आप किसी को डांट रहे होते, को समझा रहे होते और सामने वाला पे चुपचाप उसे सुन रहा है, कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो भी आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप कहीं कुछ खरीदने के लिए गए हैं, आप रेट पूछा आपने दुकान वाले से, आपको उसने रेट बताया और आप कुछ नहीं बोले, चुप हैं, सिर्फ सोच रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं या वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुकान वाले का पेशेंस जवाब दे बैठता है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे आप डील अच्छा कर पाते हैं। आपने बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा कि कितना कम बोलते हैं, कितना कम सामने आते हैं। जैसे आमिर खान, वो मीडिया में बहुत कम आते हैं। नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम साहब, मीडिया में बहुत कम आते हैं। बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, विपक्ष दुनिया भर के लांछन लगाते हैं, लेकिन वो आगे कभी भी जवाब नहीं देते, और जब वो आते हैं, जवाब देते हैं, तो पूरा देश उन्हें सुनता है, क्योंकि उनके बातों में अब वजन आ गया, क्योंकि कम बोल रहे हैं ना। इसी के अपोजिट कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो इतना बोलते हैं कि लोग उन्हें मजाक में लेते हैं। अगर वो कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ सही भी बोल रहे हैं, तो भी लोग उन्हें हल्के में ही लेते हैं। तो अब मैंने आपको व्यवहारिक जीवन में साइलेंस का फ़ायदा बता दिया, चुप्पी का फ़ायदा बता दिया कि कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। चुप्पी की जो शक्ति है वो आपको इतना ज़्यादा अंदर से पावरफुल बना देती है कि आप ओजस से भर जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है, आप वैसे ही ओजस्वी तेजस्वी दिखने लगते हैं जब आप मौन की शक्ति को समझकर मौन को धारण करना शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने मौन के 5 रूपों को समझाया था, जिसमें से शुरू के 2 रूप बहुत ही काम के हैं आपके, बाकी के जो 3 रूप हैं बहुत ही पहुँचे हुए लोगों के लिए है। हमारे गुरुओं ने, जब मैं बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में था, तब हमें ये सिखाया था और एक्सपीरियंस भी कराया था, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही सही है। लेकिन आप लोगों के लिए ये 2 काफ़ी है। पहला कंठ को चुप कराना, और दूसरा मौन, मन को चुप कराना, अपनी आत्मा को शांत करना। कैसे, अभी बताता हूँ। कंठ के बारे में तो आपने अभी समझ लिया कि दिन में कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड के लिए अपने आप को चुप होने के लिए आदेश दीजिए। संकल्प कीजिए कि रोज़ मैं कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट चुप रहूँगा, साइलेंट रहूँगा, बेवजह नहीं बोलूँगा। आपके एक एक शब्द में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, वो चाहे तो बना सकता है, चाहे तो वो बिगाड़ सकता है। एक गलत निकला हुआ शब्द आपके रिश्ते ख़राब कर सकता है, आपके दिल ख़राब कर सकता है, और इसी के अपोजिट एक अच्छा शब्द जो आपने, एक सही तुला हुआ शब्द जो कहीं कह दिया, सही जगह पे सही बात कह दिया, तो वो आपके पूरे दिल को अच्छा कर सकता है, आपके रिश्तों को अच्छा कर सकता है। बाय द वे, आपको सबसे पहले कंठ को मौन करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे 24 घंटे का मौन व्रत रख लीजिए, या 11 दिन या 1 महीने का मौन रख लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। मौन से ही शुरुआत ध्यान की होती है।
तो ध्यान की अवस्था पर पहुंचने के लिए मौन से ही शुरुआत होती है। तो मौन रहने की कोशिश कीजिए, मौन साइलेंस अपने आप को करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी मत बोलिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है सोचने समझने और परखने के बाद तोल मोल के बोलिए, क्योंकि आपके एक एक शब्द बहुत कीमती हैं। फिर दूसरा नंबर आता है आत्मा का मौन, मन का मौन, बुद्धि का मौन। मन में 60,000 से ज़्यादा ख्याल आते हैं पूरे दिन में। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सारे थॉट्स से बाहर निकलना है। द पावर ऑफ साइलेंस को महसूस करना है, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करना है। साउंड ऑफ साइलेंस, जब बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है ना, तो अंदर ही अंदर आपको एक साइलेंस की साउंड सुनाई देती है, एक ध्वनि सुनाई देती है। अब जब आप उसे सुनने लगते हैं तो तभी आप ऊर्जा से भरने लगते हैं, अंदर ओजस से भरने लगते हैं। इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंदर के उस साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना है, जिसे शास्त्रों में अनाहत नाद का नाम दिया गया है। उस अनाहत नाद को सुनना है जो अंदर हर किसी का अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है, किसी का हो सकता है, किसी का दिल का धड़कन हो सकता है। वो कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, सॉरी वो कोई इस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पाया कि वो कैसा साउंड सुनता है। बट एक टाइम के बाद जब आप मौन होना सीख जाएंगे, उस साउंड को सुन पाएंगे, और यही शक्ति आपको ओजस्वी और तेजस्वी बनाएगी। और ये है द पावर ऑफ साइलेंस। आशा करता हूँ कि आपको साइलेंस की ताकत तो समझ में आ गई होगी और आप साइलेंस रहना सीख भी गए होंगे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, इसे प्रैक्टिस कीजिए, कल से ही प्रैक्टिस कीजिए। बहुत छोटे रूप से शुरू कीजिए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे इसे कुछ कुछ सेकेंड्स बढ़ाते जाइए, और महीने दो महीने में आप देखेंगे कि किस तरह से आपने इस शक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।